नमस्ते सोल फैमिली, वेलकम बैक। डे 20 एके एकाग्रता अभ्यास में कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बाय ग्रेगरी ग्रैबोवॉय। बहुत प्यारा जो सफर है आज, उसमें देखें कि डे 20 में लेखक हमें बहुत से रचनात्मक टूल्स जो हैं हमें देने वाले हैं। तो आइए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं 20th डे की फर्स्ट एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। ये टूल इतना कारगर होता है, इनफैक्ट सभी तीनों जो अभ्यास हैं हर दिन के, इतने कारगर हैं कि देखते ही देखते आप अपनी विक्टिम मेंटेलिटी को ड्रॉप कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने क्रिएटर चेतना में इतना प्यारा कदम आगे बढ़ा लिया। और क्रिएटर्स ऐसा भी नहीं है कि ये जो भी ज्ञान है ये आपकी आत्मा को मालूम नहीं है, ये एक्चुअली आपका ज्ञान आपके अंदर छुपा है। लेखक सिर्फ उसको जो है एक नए रूप में आपको याद दिलाने के लिए ये अभ्यास पेश कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला टूल देखते हैं, विजुअलाइजेशन, होलिस्टिक वेलबींग फोकस। मैंने बहुत सारे लोगों को ये इच्छा रखते हुए सुना है कि दूसरों की मदद करनी है हमें। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकें, है ना। बहुत सारी जो आत्माएं होती हैं उनकी ये इच्छा होती है कि हम किसी ना किसी तरह दूसरों की मदद करें। तो ये टूल आज का जो है क्रिएटर्स, ये आपके लिए है। और इसमें लेखक कहते हैं कि आपको चेतना के किसी ऐसे पॉइंट पे फोकस करना है जो डिस्टेंट पे हो। एक्चुअली देखा जाए तो लेखक कहते हैं कि आप सूर्य, सितारे, ग्रह, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ऐसे बहुत सारी दूर दराज की चीजों पे आप मानसिक रूप से फोकस करके आप समझ सकते हैं कि एनर्जेटिकली वो आपके साथ कनेक्टेड है। एक पिछले दिन के अभ्यास में हमने ये भी देखा था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी एनर्जी से भरपूर हैं और हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज लेखक कहते हैं कि डिस्टिंक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करें और उस फोकस के बाद आप कल्पना करें कि आपको किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति जो फिजिकली आपके पास प्रेजेंट नहीं है, दूर भी हो सकता है, किसी और क्षेत्र में हो सकता है, किसी और देश में हो सकता है, उस व्यक्ति को आपको कुछ ऐसा समझाना है जो वो ना जानता है ना समझता है। पर काम कैसे करना है? एनर्जी से करना है। भाषा का तो इस्तेमाल है नहीं ना क्रिएटर्स, एनर्जी से काम करना है। और उस व्यक्ति को आपको वह चीज समझानी है जो उसकी आत्मा तो पहले से ही जानती है। इसलिए क्रिएटर्स लेखक कहते हैं कि आपका जो कार्य है वो सिर्फ उसको वही चीज समझाना है जो अंदर तो उसके वैसे ही स्वाभाविक रूप से मौजूद है। आपको उस ज्ञान के प्रति उसको जागरूक करना है जो उसकी आत्मा की सही पहचान है। और आप ये सोचें कि एक फोकस्ड स्टेट में जब आप ये विजुअलाइजेशन या ये चिंतन या ये अभ्यास जब आप कर रहे हैं, तो आपको इस तरह सोचना है कि जो भी ज्ञान आप उस व्यक्ति के साथ या जिस तरह से भी आप उसकी मदद करना चाहते हैं, वो ध्यान करते ही जो अन्य व्यक्ति दुनिया के किसी और कोने में है, तुरंत उस पर आपकी भेजी हुई मदद का एनर्जेटिकली असर शुरू हो गया है। कोई टाइम लैग जो है, समय की देरी, वो बीच में नहीं होनी चाहिए।
इतना इफेक्टिवली आपको जो है उसको एनर्जी सेंड करनी है अपनी मानसिक विजुअलाइजेशन में, मेंटली आपको ये विजुअलाइज करना है कि जो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, दुनिया के किसी और क्षेत्र में है, आप जैसे ही उसको जो भी मदद देना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंस्टेंट पॉजिटिव वे में हो रही है बिना किसी देरी के। आप देख रहे हैं कि उसका इंस्टेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन से उसकी जो है पॉजिटिव दिशा में निर्माण हो रहा है। आप किसी भी टाइम और स्पेस के बंधन में नहीं हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कल ही लेखक ने Day 19 के अभ्यास में ये चेतना के नए बीज डाले थे, जिसको आज वो नर्चर कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि शारीरिक रूप से वो इंसान आपसे दूर हो सकता है, फिर भी क्रिएटर्स इतना आप निश्चिंत रहें कि आप दूर होते हुए भी उनकी सहायता कर रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि आप इस अभ्यास को किसी भी क्षेत्र में उस इंसान की मदद करने के लिए यूज कर सकते हैं। और लेखक कहते हैं कि आपकी एनर्जी या आपकी विजुअलाइजेशन की पावर के थ्रू सभी लोगों की जो परिस्थितियां हैं, जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली अनुकूल दिशा का रूप लेने लगती है। तो लेखक देख क्रिएटर्स आप देख रहे हैं लेखक ने किस तरह से अपने ही बुने हुए जो बीज हैं इटर्निटी के, ब्लिस के और जो बीज लेखक बोल रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस डिसॉल्व हो जाता है जब आप क्रिएटर चेतना में होते हैं। लेखक आपको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लेके जा रहे हैं। तो क्रिएटर्स, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, आप इसको 2 पॉइंट मेडिटेशन समझ लें जो इजोमी जी कराते हैं, या टाइमलाइन मेथड भी समझ सकते हैं। टाइमलाइन में तो फिर भी इजोमी जी कभी-कभी कहते हैं कि आप कुछ समय का गैप रख सकते हैं जितना हमारी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करती है। 2 पॉइंट में तो इंस्टेंट भी आप कर सकते हैं बहुत बार। तो उसी का एक ये जो है वेरिएशन आज लेखक हमें Day 20 पे देना चाह रहे हैं। तो आज आप ट्राई करें और अपने प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें जरूर, क्योंकि मैंने ये मेथड ट्राई किया है और ये 100% वर्क करता है। इंस्टेंट वाला ट्राई करना, ओके? चलिए, सेकंड अभ्यास पे जो है बहुत ही प्यारा, जिसके लिए ग्रेगरी ग्रैबोवॉय बहुत फेमस है, वो है उनकी नंबर की कॉस्मिक एनर्जीज क्रिएटर्स। और ये जो नंबर्स की दिव्यता है और जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये पूरी हमारी इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम को संतुलन में लेके आती है, चक्रास को क्लीन करती है, नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक डिसॉल्व करती है, कोई ब्लॉकेजेस हैं उसको डिसॉल्व करती है, और हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत मदद करती है, अलॉन्ग विथ सेल्फ हीलिंग एंड हीलिंग ऑफ अदर्स। तो हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं ग्रैबोवॉय के कॉस्मिक नंबर्स की जो ऊर्जा है। 7 अंकों का नंबर, स्पाइन सीधे रखिए, क्राउन चक्रा से विजुअलाइजेशन करें, चमकती हुई रोशनी
आपके स्पाइनल कॉर्ड में इन नंबर्स के साथ 1, 5, 3 8, 4, 1, 6 गहरी सांस 1, 5, 3 8, 4, 1, 6 अपने शरीर के हर एक सेल को डिवाइन ब्लूप्रिंट के साथ एक्टिवेट होता हुआ महसूस करें। नौ अंकों का नंबर 8, 9, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9 8, 9, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9 गहरी सांस। हर एक सेल बॉडी में हील होता हुआ क्रिएट चेतना में दिस इज की कोई जगह नहीं है। हम अनंत हैं, शाश्वत हैं, और हम अपने कॉस्मिक सेल से इंटरकनेक्टेड हैं। मदर अर्थ के लिए ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता फॉर द कोर ऑफ मदर अर्थ क्रिएटर। आइए जैसे आप कंप्लीट फील करें। तीसरा अभ्यास न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के नए बीज जो हमारे निर्माता होने की तैयारी में बहुत सहायक है। और आज तो लेखक बहुत कुछ हमें दे रहे हैं। पहला विजुलाइजेशन एक्सरसाइज भी इतना पावरफुल था, और आज के जो चेतना के बीज हैं वो तो बहुत ही प्यारे हैं। लेखक कहते हैं आज आप एक डायरेक्टर हैं और अपनी दुनिया को और पूरे जगत को आज आप रिक्रिएट कर सकते हैं क्रिएटर्स। लेखक कहते हैं कि आज आप अपनी दुनिया को इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव को चेतना के उच्चतम स्थान से देखें। ऐसे स्थान से जहां आपने पहले विजुलाइजेशन किया कि किसी और के लिए मैं इंस्टेंट कोई भी क्षेत्र में उसको पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूं और वो प्रैक्टिकली ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट हो रही है। आज लेखक कहते हैं कि आप सामान्य कल्याण के लिए एक पैशन से आज दुनिया को देखें। दुनिया को ऐसे देखें जैसे कि अभी ही आपके सोच के हिसाब से दुनिया बनाई जा रही है क्रिएटर्स, कि आप निर्माता हैं और आपकी मूवी अभी बन रही है और आप अभी के अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और दुनिया वैसे ही बनती जाएगी जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट अभी लिखेंगे, क्योंकि आप अपनी दुनिया को और पूरे
पूरी कलेक्टिव की दुनिया को आज आप रिक्रिएट कर रहे हैं क्रिएटर्स। और जैसी आप दुनिया चाहेंगे वो वैसी ही तुरंत उपस्थित हो जाएगी। और आपको अगर कहीं पे भी अभी केओस लग रहा है, आप उसको भी रचनात्मक ढंग से उसकी दिशा बदल दें। तो अगर हमें अभी डिवाइन फेमिनाइन के अस्तित्व में केओस दिख रहा है बाहर के एनवायरनमेंट में क्रिएटर्स, क्यों ना आज इस चेतना के बीज को इस्तेमाल करते हुए हम डिवाइन फेमिनाइन को पूरी संतुलन की एनर्जी भेजें, उसकी प्रतिष्ठा की एनर्जी भेजें डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन को हम क्यों ना आजादी और सामान्य अधिकार की ऊर्जा भेजें, उसके ब्लॉसम होने की ऊर्जा भेजें, और लेखक कहते हैं कि आज संसार को जिस तरह से भी तुम देखोगे, सृष्टिकर्ता उसी तरह से हर जगह संपूर्णता के साथ वो क्रिएट करता जाएगा। तो आज का जो बीज है उसमें आप को क्रिएटर बन गए हैं। और लेखक कहते हैं कि कुछ भी चीज को आपको अगर सही परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, आपको मेंटली डायरेक्शन देना है कि आप एक निर्माता हैं और वो सब चीजें जो हैं संपूर्णता की ओर बढ़ने लगी हैं। और आप देखें कि जो डिवाइन क्रिएटर है वो बहुत प्रसन्न है आपसे। जैसे ही आप अपनी निर्माता की चेतना में कदम रखते हैं और अपनी दुनिया का सृजन करना शुरू करते हैं, तो जो कॉस्मिक सेल्फ है, आपका हायर सेल्फ है, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला के दुनिया को रिक्रिएट करने में मदद करेगा। और आप यूनिटी का अनुभव करेंगे क्रिएटर्स। और क्रिएटर्स आप आज जो आपकी आत्मा है वो एक लाइट हाउस बन जाएगी। आप हर एक के लिए रोशनी का प्रतीक बन जाएंगे। और आपकी आत्मा की जो चमक है उसका प्रकाश ही पूरे संसार में उजागर हो जाएगा। और पूरी दुनिया को आज अपने कॉस्मिक सेल्फ की नजरों से देखें। और जो आपके कॉस्मिक सेल्फ का, हायर सेल्फ का जो विचार है वही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। कितना प्यारा मनन है। तो हम इतने पावरफुल क्रिएटर्स हैं जिसका हमें अनुमान नहीं है अभी।
आप पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा को निर्देशित कर सकते हो और बेहतर दुनिया बनाने की जो संभावना है उसमें एक बहुत पावरफुल रोल आप प्ले कर सकते हो क्रिएटर्स। तो लेखक का ये प्रयास है आज आपको प्रेरित करने के लिए कि आपकी आत्मा के पास वो सब ज्ञान छुपा हुआ है, उसको वापस याद करें और उसकी पावर को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करें। तो वेरी पावरफुल टूल्स टुडे विजुअलाइजेशन में हमने देखा कि कैसे सबकी वेलबींग के लिए हम मेंटली एक ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं और वो ऊर्जा उसी समय रिजल्ट्स दिखाने लगती है विदाउट डिले ऑफ टाइम एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्पेस। कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा में आज मदर अर्थ की भी बहुत पावरफुल एनर्जी थी और चेतना के नए बीज में हमने देखा कि कैसे हम निर्माता चेतना में पूरी दुनिया को रिक्रिएट कर सकते हैं और यही हमारी जो सोल ब्लूप्रिंट है उसकी असली पहचान है। सो क्रिएटर्स यूज दीज टूल्स पैशनेटली। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है बट संभव है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने ये टूल्स इज़ुमी जी के गाइडेंस में ऑलरेडी यूज किए हैं और उसका इम्पैक्ट देखा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।